प्रधानमंत्री मोदी हर बार कहते हैं कि उनके लिए फैसले तो अभी बस ट्रेलर हैं और पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने पाकिस्तान पर जो कहा वही हुआ, पाकिस्तान कंगाल हो गया और आटे के लिए भीख मांगने लगा। अब तीसरे टर्म के आने से पहले पीएम मोदी ने बता दिया है कि पाकिस्तान पर और कड़े फैसले लेने का टाइम आने वाला है और इसकी झलक पीओके में दिखने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की गारंटी दे दी है और लगता है कि पीओके के भारत में मिलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस विद्रोह के सामने पाकिस्तानी गोलियां और बंदूकें बेकार हो चुकी हैं। पीओके में पाकिस्तान के झंडे उतार कर फेंक दिए गए। पीओके में पाकिस्तानी अफसरों के कपड़े उतार कर चौराहे पर टांग दिए गए, ये दिखाने के लिए कि अब वहां की जनता 76 साल का हिसाब सूद समेत चुकाने वाली है। जो पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में कश्मीरी रह रहे हैं उन पे वो गोलियां और बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने, 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फौज के आगे अपनी पतलों ने उतारी थी। पीओके में आखिरी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के हाथ से पीओके लगभग निकल चुका है। ये विद्रोह पीओके के अखंड कश्मीर बनने के मिशन का एक ट्रेलर है। अब योगी आदित्यनाथ का गुस्सा पाकिस्तान और भारत में बैठे पाक प्रेमी गैंग पर बम की तरह गिरा है, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम पर नाज है और जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उन पर गृह मंत्री ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। दो दिन पहले पीएम मोदी इंडी गठबंधन पर गरजे थे। पीएम मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इसके बाद तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत के बयान से पाकिस्तान तिल मिलाया जरूर, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान में खुद आग लगी है तो भारत को क्या जवाब देगा। पीएम मोदी के बयान के बाद तो पीओके में लोगों को आजादी की उम्मीद बधी है। पीओके के नागरिक पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान पर जल्द से जल्द एक्शन लें। मैंने ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि वो दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है उसको बुलाएं और उससे वजाहत तलब करें और प्रोटेस्ट करें इस वाकये के ऊपर। इसके अलावा मैंने भारतीय सरकार के ये भी अपील की है कि जो भारतीय नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशन में, वो अक्वामे मुत्तहिदा में फौरी तौर पर जो है वो रेजोल्यूशन पेश करें और इस मसले को वहाँ पर भी उठाया जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि हमें सिर्फ आटे की कीमतें कम करने से या बिजली की कीमतें कम करने से सरोकार नहीं, हमें अपने राइट्स चाहिए, वैसे ही राइट्स चाहिए, वैसी ही तरक्की चाहिए जो भारत के जम्मू कश्मीर में हो रही है। आटे और महंगे बिजली के लिए शुरू हुई आग अब भड़क चुकी है। अब पीओके में पाकिस्तान के आतंक से छुटकारा पाने के लिए युद्ध हो रहा है। हालात देखकर शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई और पीओके को शांत करने के लिए 23 अरब के राहत पैकेज का छलावा किया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर पीओके को धोखा दिया
और वहां धोखे से गोलियां बरसाई जाने लगी और वहां धोखे से गोलियां बरसाई जाने लगी। कितने बंदे जख्मी हुए? चार बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। घाटी में हर जगह मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक आजादी के नारे गूंज रहे हैं। बगावत की ये बिजली इस्लामाबाद में भूचाल लेकर आई है। पाकिस्तान दहशत और आतंक का माहौल बनाकर डरा तो सकता है, लेकिन आवाम की जरूरतें पूरी करना उसकी नीयत में नहीं है और यही बात पीओके के लोगों को समझ आ चुकी है। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई छिड़ गई है और पीओके की इस हालत को देखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अब पीओके पर कब्जे की जरूरत नहीं है, वहां के लोग खुद ही भारत में शामिल हो जाएंगे। और अब पाकिस्तान की संसद की भी बात करते हैं, जहां पर भारत का नाम गूंज रहा है। पाकिस्तान के सांसद भारत की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के सांसद मुस्तफा कमाल संसद में कहे कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बेरोजगार